पूरे चाय के बगीचे यहाँ पे। मजा है भाई। तो भाई सब मैं पहुंच चुका हूँ हेरिटेज विलेज। तो भाई मौसम मिक्स टाइप का ही है, कहीं बादल है कहीं धूप है। ये देखो इस टाइम मैं हूँ बन्नूरी में। अगर मैं ऐसे करके खड़ा रहूँगा तो मेरे जो राइट साइड में बैना जाने वाला रोड है बीड़ की तरफ, या तो मैं इस साइड जाऊँ या मैं लेफ्ट साइड में अपने पालमपुर या मैं इस साइड जाऊँ। मैं बीड़ जाऊँगा तो वहाँ एक वाटरफॉल देखूँगा, और इस साइड जाऊँगा तो वहाँ पे दो तीन अच्छी चीज़ें हैं वो देख सकता हूँ। तो आज चलते हैं पालमपुर और बीड़ किसी और दिन चलेंगे। सो लेट्स गो गाइस। मौसम ठीक है, बादल हैं, ज़्यादा धूप नहीं है। चश्मा भी पहनना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। कल गया था आंख चेक करवाने के लिए तो डॉक्टर ने बोला आंखें तो सही हैं, दूर का विजन जो है वीक है, चश्मा लगाना पड़ता है और ये हो जाता है फोग। हेलमेट का वाइजर बंद नहीं कर सकते। ठीक है, फ्यूल डलवा लेते हैं, हवा चेक करवा लेते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ पे ना एक दुकान है भाई की, उन्होंने वो रिम जो का जो बैंड था वो निकाल दिया है। एक्चुअली मुझे रिम का बैंड निकलवाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, हवा जो है ना वो हल्की हल्की लीक होना स्टार्ट हो गई थी, प्रेशर ड्रॉप हो रहा था टायर का, तो मैंने सोचा कराई लेते हैं रिपेयर। नया रिम तो 9000 के आसपास पड़ेगा मुझे। ये है, तेल डलवा ही लेते हैं, पीछे तो नहीं आ रहा कुछ। भाई फाई नहीं रे, फुल करी नया चुका वाला थोड़ा दे ऊपर। अच्छा अच्छा और पाल थोड़ दे। 9.8 लीटर पड़ा। ओके, तेल भी डलवा लिए भाई, हवा डलवा लेते हैं यार, हवा तो डलवाना जरूरी है बिकॉज कल हरिम का काम करवाया ना। हवा ज़्यादा थी बता रहे थे, टायर से हवा कम नहीं हुई है, कल काम करवाया था उसका मनिंग ठीक है हवा टायर की। पालमपुर में आपको अलग अलग जगह पे चाय के बगीचे मिल जाएंगे देखने के लिए। ये देखो जैसे ये है, ये भी पूरे टी गार्डन है। ये देखो पूरे चाय के बगीचे हैं यहाँ पे, और बीच में पेड़ सुंदर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है शाम के टाइम पे बारिश होगी। और ये है भाई न्यूगल कैफे, न्यूगल खड कैफे, कैफे कैफेटेरिया लिखा हुआ है इधर। सोरोबन बिहार, ये वाला ब्लॉग देख लेना, मेरा पहला ब्लॉग था ये सोरोबन बिहार वाला ना, जिसमें कवर किया हुआ है मैंने। ये ब्रिज में अभी पैदल ही जा सकते हैं, गाड़ियाँ या बाइक्स लेके नहीं जा सकते। तो पहले हम जा रहे हैं हेरिटेज विलेज, उसके बाद आऊँगा मैं इधर। आज भीगूंगा मैं पक्का, रेनकोट नहीं लेके आया हूँ साथ में, बारिश होगी स्टार्ट, कहीं मेरे को सर छुपाने की जगह मिल जाए इससे पहले कि बारिश तेज हो। विलेज पहुँच जाऊँ मैं जाके बस, और कुछ नहीं चाहिए। मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, वैसे ऐसे मौसम में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। एक रेन सेट भी है, बारिश तेज ना हो बस, नहीं तो इधर रुक जाता हूँ मैं, रुक जाता हूँ, वेट कर लेता हूँ यार, बारिश का माहौल देख सकता हूँ, कहीं तेज़ होगी तो मुश्किल हो जाएगी। भाई नज़ारे तो बड़े सुंदर है, बारिश होगी तेज़, और सही डिसीजन है कि मैं रुक गया यहाँ पे, अगर रुकता नहीं तो भीग जाता मैं। विलेज हेरिटेज विलेज है जो पास में ही है, तो बस थोड़ा सा बारिश जैसे रुकेगी फिर चलते हैं आगे। जा
मजा है भाई, एक नंबर। सही किया मैंने रुक गया इधर, नहीं तो बारिश में पूरी तरह भीग जाता भाई। थोड़ी सी बारिश अभी कम हुई है, चलते हैं भाई आगे। पता नहीं पूरी तरह कब रुकेगी, बट कम हुई है, जा सकते हैं। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, तो चलते हैं भाई, निकलते हैं। विलेज पास में ही है, पहुँच ही जाएंगे। सीट हो गई गिल्ली। सीट कैसे साफ करें? सीट इससे साफ करते हैं, पूरी गिल्ली हो रखी है। कपड़ा तो है नहीं, लेके आया हूँ मैं। ये ठीक है, इससे तो हो ही जाएगी। चलो भाई चलते हैं। शुक्र है मुझे मिल गया है सेड ना, अगर नहीं होता तो मैं भीग गया होता बिल्कुल। या तो मैं अभी भी हल्की हल्की फिर से बढ़ रही है बारिश ना। चलो हिमाचल हेरिटेज विलेज नीचे की तरफ है जाके, क्या डिस्टेंस 100 मीटर है? 100 मीटर पे था मैं भाई दूर। विलेज इस साइड है अभी, अब नीचे की तरफ कहाँ जाता है ये नहीं पता, पर विलेज है इस साइड। चलो वेलकम टू द हिमाचल हेरिटेज विलेज। विलेज तक का रास्ता कुछ ऐसा है, और बारिश के दिनों में ना ये देखो ये पूरा आया होगा फ्लड। शुक्र पुली बच गई है। अभी विलेज में पहुंचने के लिए टिकट लगती है या नहीं लगती है ये नहीं पता, विलेज के अंदर घूमने के लिए, बट देख तो यही रहा है। इधर क्या लिखा हुआ है, एंट्री फीस 100 रुपीज़ पर पर्सन। सो भाई सब मैं पहुंच चुका हूँ हेरिटेज विलेज, और सबसे पहले टूर लेते हैं। ये है इनका रेस्टोरेंट, बड़ा सुंदर बना रखा है। अंदर से टूर लेते हैं, पर नीचे जो है यहाँ पे ना बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कैसे मकान है, वैसा मकान बना रखे हैं। ऊना के एक है, एक शायद खनियारा का है, ऐसे करके इन्होंने 3-4 टाइप के जो है मकान बना रखे हैं इस विलेज में। सो पहले लेते हैं टूर इस रेस्टोरेंट का, फिर चलते हैं भाई। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बर्तन ये हैं, पूरे पुराने वाले बर्तन हैं जो इस्तेमाल होते थे। ये प्रेस है, ये प्रेस इस्तेमाल होती थी पहले कपड़े प्रेस करने के लिए ना, इसमें कोयले से चलने वाली थी, और इससे करते थे दही से छाछ बनाते हैं ना, तब उसका इस्तेमाल होता था। इसको घुमाते थे बीच में से और नीचे घूमता था, उसमें से मक्खन अलग हो जाता था, छाछ अलग हो जाती थी, बटर मिल्क। और ये देखो चिलम, इसे चिलम बोलते हैं, चिलम हमारे बुजुर्ग पीते थे पहले। और ये है तेल के लिए होता है, ये मिट्टी का तेल पहले मिलता है ना हमें, तो शायद ऐसे करके कुछ कंटेनर होते थे जिनमें डालते थे। ये देखो पूरे बहुत सारी चीज़ें हैं। यह है उखल मोहल, हमें बोलते हैं उखली। पहले इसमें दालें या कुछ कूटते थे ना, जैसे धान कूटते थे वो इसमें डाल के करते थे, डंडा है उसके साथ में, नीचे उखली है। यह है चरखा, ये देखो भाई। ये जो है पीछे, इसे बोलते हैं मठ, हमारे यहाँ मठ बोलते थे उस टाइम पे, पानी पूनी स्टोर करने के लिए होगा या अनाज स्टोर करते होंगे, कुछ तो करते होंगे, मिट्टी का बना हुआ इतना बड़ा देखो कंटेनर। था रेस्टोरेंट जो पहले था उसका टूर लिया, अब चलते हैं नीचे विलेज में, विलेज देखते हैं भाई। ये जो है पहले वाला जो मकान है ये है ऊना का, ये मिट्टी का बना हुआ पूरा। सेकंड है ये है कांगड़ा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का है मकान जो है। थर्ड जो लकड़ी का पूरा जो लकड़ी का बना हुआ है ना, ये देखो ये है ब्रोड का, ये लकड़ी का जो पूरा बना हुआ ऊपर भी लकड़ी नहीं सब ये ब्रोड का है, और ये है खनियारा का। अभी चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा और न्यूगल खड का जो ब्रिज है ना ट्राई कलर जिसपे था वहाँ पर जाऊँगा पहले मैं, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे का प्लान, फिर डिसाइड करते हैं। मौसम भी सही था, मैंने सोचा कि मैं धूप में निकल रहा हूँ
धूप लगेगी, बट ये पालनपुर है यहाँ मौसम बड़ी जल्दी करवट लेता है। चलते हैं भाई, धूप भी आ गई और हेरिटेज विलेज भी घूम लिया हमने। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हों, आप सभी को ऐसे ही खूबसूरत मैं प्लेसेस दिखाता रहूँगा। आप सभी का एक ही काम है, वीडियोस को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और साथ में कमेंट भी करने हैं। जो भी बंदे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। पालनपुर यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो विलेज यहाँ से हेरिटेज विलेज अगर पालनपुर से पाओगे तो 5-6 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लो ये रोक दिया, मैं इस साइड से जाऊंगा उस ब्रिज पे ना। ये देखो मौसम अति सुंदर, नज़ारे अति सुंदर। जब मैं लास्ट टाइम सौरव वन बिहार आया था, वो मेरा पहला ब्लॉग था सौरव वन बिहार वाला, मैं यहाँ गया नहीं था, तो अभी जाते हैं। भाई साहब हिल रहा है तो देख लो भाई, ये है वो बड़ी बड़ी केबल, इनके सहारे टिका हुआ है ब्रिज। चलो भाई, अच्छा था यार ये जगह, बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया इस पुल पे आके ना। मैं बहुत पहले आया था जब कॉलेज टाइम में ना, उसके बाद आया नहीं मैं। चलते हैं भाई वापस। अभी यहाँ से जाऊंगा मैं जखनी माता मंदिर, अगर जा पाऊंगा ऊपर तक तो। बस निकलते हैं, टाइम हो रखा है 3:19 शाम के। चलो